Jadi 30 Januari 2019 गुरुवार रहा हो तो 2 मार्च 2019 को कौन सा दिन था? कैलेंडर चैप्टर रीजनिंग में कैलेंडर चैप्टर है उससे ऐसा क्वेश्चन आता है। यदि 30 जनवरी 2019 को गुरुवार था तो 2 मार्च उसी 2019 को कौन सा दिन था? तो देख जनवरी होता है 31 दिन का, 30 दिन तो बीत ही गया शुरू में, तो एक दिन बचा जनवरी में। अब फरवरी 28 या 29 दिन, तो 29 दिन कब होता है? जब लीप ईयर आता है। लीप ईयर किसको कहते हैं? साल में जैसे 2019 है इसमें 4 से भाग देंगे, यदि पूरा लग जाए शेष कुछ नहीं बचे तब 29 दिन का फरवरी, ऐसे 28 दिन का। तो जनवरी एक दिन, फरवरी 28 दिन, अब मार्च तो 2 दिन बीतवे किया है, अभी शुरू हुआ 2 दिन को पूछिएगा तो 7 से भाग लगाएंगे, तो ये तो नहीं है, ये 28 कटेगा 7 चौक 28, तो इस खत्म जिसमें 7 से भाग लग जाए वो खत्म, बचा 1 और यहाँ बचा 2, तो 2 1 3 3 दिन गुरुवार से 3 दिन बढ़ेगा आगे, 3 बच रहा है इसीलिए 3 दिन बढ़ेगा, तो गुरुवार के बाद शुक्रवार शनिवार रविवार, तो आंसर हो गया रविवार। फिर समझिए, यदि 30 जनवरी 2020 रहता है, 19 नहीं रह के क्या रहता 2020, 30 जनवरी 2020 को गुरुवार था तो 2 मार्च 2020 को कौन सा दिन था? ऐसा क्वेश्चन बदल गया, सिर्फ साल देखिए बदला तो 2020 में भाग लग जाता है 4 से, पक्का पक्की लग जाएगा देंगे, तो लीप ईयर हो गया, तो लीप ईयर हो गया जनवरी, वही बात है 30 दिन बीत गया तो क्या दिन बचा जनवरी में, लेकिन फरवरी लीप ईयर होने के कारण 29 दिन का हो गया। अब मार्च भी वही बात 2 दिन न बढ़ा, तो इसमें 7 चौक 28 एक तो इसमें दिन बच गया, तो अब की बार 1 2 2 4 दिन न बढ़ेगा, तब शुक्रवार शनिवार रविवार, तो आंसर होगा सोमवार, आंसर क्या होगा सोमवार। ऐसे क्वेश्चन चेंज भी होगा तो आपको वही करना है, कितना दिन बीता दिन निकाल के 7 से भाग देना, बस 7 से भाग देंगे जो शेष बचा उसको क्या करेंगे, 4 शेष बचा 4 दिन बढ़ा देंगे, 2 शेष बचा 2 दिन बढ़ाएंगे, 1 शेष बचा तो 1 दिन बढ़ाएंगे, आदि शेष 0 हो तब वही दिन होगा जो दिन है, जैसे गुरुवार है शेष कुछ नहीं बचता हमको, तब गुरुवार होता उस दिन। That's all.